हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी हाउ आर यू ऑल डूइंग आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट ऑल आर फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ क्लाट 2024 एंड 2025 तो यार जो क्लाट का एग्जाम है वो आपका दिसंबर के मंथ में होता है तो तो जो ट्वेंटी का एग्जाम है वो आपका दिसंबर ट्वेंटी के अंदर होगा बट टेक्निकली उसको हम क्लाट ट्वेंटी बोलेंगे बिकॉज वो अकेडमिक ईयर जो आपका होगा वो ट्वेंटी का अकेडमिक ईयर होगा राइट ऐसे ही ट्वेंटी का भी सेम है दिसंबर में एग्जाम होता है पहले ये मई जून में होता था बट नाउ इट हापन इन दिसंबर तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर आई एनालाइज ट्वेंटी 2023 का क्वेश्चन पेपर एंड ऑल अदर ऑल अदर क्वेश्चन पेपर्स क्लाट के एंड हैव कम अप विथ टॉपिक्स दट यू नीड टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी दो टॉपिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है लेट्स गेट स्टार्टड विथ टू डेज वीडियो वाइज अगर आप क्लाट की प्रिपरेशन करें या किसी भी लॉ इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी बिकॉज हम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं सो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन एंड आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें चाहे वो क्लाट है चाहे कोई भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कॉमेंट डाउन कर सकते हैं हम आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो यू Can message me on instagram we are there by the name at i am Loggiri. let's get started yeah guys welcome to laugheri i hope you're subscribed to laugheri's youtube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos and i hope you're following us on instagram we're there by the name at i am Loggiri. we do pretty motivational stuff आउट देर इफ यू टू स्टेपी इफ यू टूटे मोटिवेटेड एंड इफ यू स्टे कनेक्टेड अ लिटल मोर विद लॉगेड सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दट यू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम तो जब हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मतलब जो आपका पेपर होता है वो वन फिफ्टी मार्क्स का होता है ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम जो है आपकी वो टू आवर्स का एग्जाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बट ये पैराग्राफ है यहाँ पे पैराग्राफ और पैसेज बेस्ड एग्जाम है मतलब हर सेक्शन के अंदर क्वेश्चन के पहले पैसेजेस होते हैं हर क्वेश्चन के पहले पैसेजेस नहीं होते बट ग्रुप क्या होता है जैसे हर पैसेज के बाद अराउंड फाइव टू सिक्स क्वेश्चन होंगे तो ऐसा सा आपका पैटर्न रहता है तो बहुत सारी रीडिंग करनी रहती है आपको इस एग्जाम में जिसके लिए आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग से आप अपनी रीडिंग स्पीड पर आपको काम करना रहता है राइट आई एम गोन टू टेल यू हाउ टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड बट ये आपको दिमाग में रखना है कि आपको रीडिंग स्पीड पे काम करना है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग पे होती है 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो आपके मार्क्स जो है वो कट किए जाएंगे ठीक है देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन है ठीक है क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि कौन सा सेक्शन मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है. यहाँ पे आपका जो इंग्लिश है वो ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स का है करंट अफेयर्स आपका थर्टी टू थर्टी का है लीगल जो है आपका वो थर्टी टू थर्टी का है लॉजिकल आपका ट्वेंटी टू थर्ट का है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो कि मैथ्स है वो थर्टी टू सेवन मार्क्स का रहता है राइट right? तो ये आपको नोट कर लेना है ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए ओके okay? अब बात करते हैं इंग्लिश से तो इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं देखिए इंग्लिश का जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रीडिंग कॉप्रीहेंशन ठीक है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं वो गलती करते हैं वो ग्रामर पढ़ने लग जाते हैं टेंसेज पढ़ने लग जाते हैं सबसे पहले ठीक है प्रेपोजिशन देखिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एक से दो वन और टू क्वेश्चन ही मोस्टली आते हैं ज्यादा क्वेश्चन आपके ग्रामर बेस्ड नहीं आते हैं तो सबसे पहले हमें ग्रामर के पीछे नहीं भागना है जब हमारे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे एंड उसके बाद अगर हमारे पास टाइम होगा देन वी विल स्टडी ग्रामर अभी हमने स्टार्टिंग में ग्रामर नहीं पढ़नी है बिकॉज़ दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर आवर क्लैट एग्जाम ओके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का अगर मैं स्टेप वाइज आपको समझाती हूं तो सबसे पहले स्टेप 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम लर्न करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ठीक है ना अब हमारे स्कूल के अंदर भी हम रीडिंग कॉम्प्रीहशन सॉल्व करते हैं बट जो स्कूल के अंदर हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करते हैं उसके अंदर हमारा जॉब होता है टू हंट फॉर द आंसर ठीक है हमें ढूंढना होता है आंसर बट यहाँ पे हमें एनालिसिस करके आंसर देना होता है टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से आते हैं इन्फ्रेंस मेन आइडिया ऑर्डर्स मेन पर्पज पैसेज कैन बी टर्म डैट टोन ऑफ द पैसेज सेंट्रल आइडिया फिगर्स ऑफ स्पीच कंक्लूजन ये सारे टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं प्लीज ये नोट कर लीजिए आप इनको अपने टॉपिक समझे कि ये टॉपिक्स मुझे एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़कर कवर करने राइट right? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर वो मेन आइडिया पूछ रहे हैं तो वो मुझे ढूंढना कैसे उसके ट्रिक्स भी बुक्स में मैंशन होते हैं इसके लिए जो बुक आप जिसके जिसमें से पढ़ सकते हो जी की बुक का पी मैंने शेयर किया हुआ है डब्ल्यू मेरी वेबसाइट है फ्री के अंदर ये पी अवेलेबल है वहां जाइए और ये पी आप डाउनलोड करिए और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उस बुक में से वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं उसकी वीडियो का लिंक जो है बुक्स फॉर क्लैट उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा को हेड एंड Watch that video also, after this video. अब इसके अंदर स्टेप टू आपका क्या रहेगा देखिए आपने अब कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जब मेन आइडिया का कहा जाता है तो मुझे कैसे वो ढूंढना है उसके बाद आप वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे उस concept कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है देखिए जो ये जी मैट की बुक है आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं कहूंगी कि सबसे पहले आप पी वाई की ऑर्डर कर लीजिए उसके बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी राइट वो बुक आप खरीदिए एंड उसके अंदर एल और क्लाट के जितने भी रीडिंग की कोशिश करें जैसे example, आप आज पढ़ आपने पढ़ लिया कि कैसे ढूंढते हैं ठीक है उसके बाद आप उस बुक में से मेन आइडिया वाले थोड़े बहुत सॉल्व करें एंड आई ऑल्सो कि आप रीजन लगाएं कि अगर आप कह रहे हो कि ए आंसर है, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्यों है सो वॉट ट्राइंग टू से स्टार्टिंग में चाहे आप दिन के सिर्फ फाइव टू सिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ वन टू टू आर सी सॉल्व कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है बट क्या आप समझ के कर रहे हैं या फिर आप गेस्ट वर्क पे कर रहे हैं तो आपको समझ कर यू हैव टू हैव अ रीजन दैट वाई यू हैव सेट दैट इज द आंसर उसके बाद रीजन्स चेक करो कि जो यू नो आंसर है उसमें रीजन जो दिया हुआ है क्या वो आपके रीजन से मैच करता है या नहीं मैच करता अगर नहीं करता तो फिर दोबारा से जाओ पैसेज पे कि मैंने ये लगाया अच्छा इसने ये लगाया ऐसे करके आपको अपने आपका जो रीजन है अपना जो माइंडसेट है वो आपको अलाइन करना है कि जैसा वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए हमें चाहिए राइट right. तो ये आप करोगे इसमें आपको दिन लग जाएंगे ठीक है आप अराउंड बड़े आराम से आप टू मंथ्स दीजिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं एंड इसके अंदर सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए साथ साथ एप्लीकेशन समझिए और फिर स्टेप थ्री पे अपनी स्पीड बनाने की कोशिश करिए जिसके अंदर कि आप फाइव टू सिक्स आर ट्राई करें कि आप थर्टी मिनट्स में सॉल्व कर पाए राइट right. अगर आप चाहते कि नहीं मुझे बुक ही खरीदनी है वैसे मैं कहूंगी जी मैट वाली बुक अच्छी है बट अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप अरुण शर्मा की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं कैट की बुक होती है ठीक है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, में प्रोवाइड कर दूंगी ये बुक आप तब खरीदे जब आपको जी मैट वाली बुक ऐसा लग रहा है कि चलो थोड़ा सा मुझे ऐड ऑन करना है नहीं तो जी मैट वाली बुक इज़ अ गुड बुक ये फ्री के अंदर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर से ये आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं

प्रैक्टिकल क्यों नहीं है या फिर लर्निंग लिस्ट इतनी प्रैक्टिकल क्यों नहीं है देखिए आपके जो पेपर के जो ये होते है, 99 times, ये आपके वाले वर्ड्स होते हैं ठीक है ना न्यूज़पेपर के वर्ड्स होते हैं और जो न्यूज़पेपर में वर्ड्स आते हैं देखिए वो चेंज होते रहते हैं जैसा टाइम आ रहा है जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर आई तो वॉर वाली वोकैबलरी आने लग गई कोविड आया तो कोविड से रिलेटेड क्वारंटीन ठीक है इनॉक्यूलेशन तो ये सारे वर्ड न्यूज़पेपर में यूज होते हैं तो अगर हम न्यूज़पेपर में से अपनी लिस्ट बनाएं तो ये ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है न्यूज़पेपर में से लिस्ट बनाने के लिए आप मेरा सेशन फॉलो कर सकते हैं जो कि एजुकेरी नाम के एक चैनल पे होता है ठीक है यहाँ पर मैं न्यूज़ पेपर एनालिसिस हर रोज डेली सिक्स ओ क्लॉक लेती हूँ सिक्स पी पे पर न्यूज़ पेपर एनालिसिस होता है जहाँ पे आप न्यूज़ तो कवर करते ही करते हैं साथ में आपकी वकेबलरी भी कवर होती है अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो ये करते हैं कि हम याद कैसे करें देखिए आप वीक वाइज लिस्ट बनाए फॉर एक्जाम्पल अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट करें तो उसको लिखी अपनी नोटबुक में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जितने भी वर्ड्स आपने पढ़े उनको लिखे उनको बार बार रिवाइज करें और आप देखेंगे एक पॉइंट पे अगर टू टू थ्री मंथस आप वकेबलेरी कवर करते हैं तो थर्ड मंथ में आप देखेंगे बहुत सेम टू सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं ठीक है यूट्यूब तो चैनल का लिंक आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी राधर देन स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल ये बिल्कुल क्रॉस मार दीजिए या फिर जो लिस्ट आपके कोई भी बुक्स में दी होती है वो भी याद करने का कोई फायदा नहीं है न्यूज बेस्ड वोकैबलरी लिस्ट जो आप खुद से बनाएंगे उसका सबसे ज्यादा फायदा है तो उसके बाद लीगल रीजनिंग पे चलते हैं तो लीगल रीजनिंग क्या है देखिए लीगल मतलब लॉ लॉ मतलब लॉ से रिलेटेड रीजनिंग अब यहाँ पे आपको क्या करेंगे वो आपको लॉ बता देंगे कि ऐसा सा लॉ है फिर सिचुएशन दे देंगे और फिर आपको कहेंगे कि सिचुएशन पे लॉ लगाइए जो एक लॉयर करते हैं हर रोज वो आप एज अ लॉ एस्पेरेंट करेंगे राइट अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करी जाए अब देखिए यार इसके अंदर सबसे पहले आप बेसिक क्लॉज पढ़ेंगे लाइक दैट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जो आप बाय कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इस ये आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ठीक है अगर आप चाहते हैं हम टॉर्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ भी पढ़ाएं तो कॉमेंट डाउन बिलो वुड लव टू डू दैट अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स राइट right? तो टॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ फैमिली लॉ देखिए इंटरनेशनल लॉ में क्रॉस कर दूंगी यहाँ पर बिकॉज अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो बहुत है और इसके लिए जो बुक आपको खरीद लेनी चाहिए वो है एल आर एन एल आर एल एन एल आर बाय विली ठीक है ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं और यू कैन गो फॉर एपी भारद्वाज अगर आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो विली इज अ बेटर चॉइस बिकॉज इसके अंदर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ज्यादा मिल जाती है ठीक है और साथ में आपकी पीवाई क्यूज की बुक तो आप बाय कर ही रहे हो जो कि मैंने आपको इंग्लिश में भी बोल दिया था वो सेम ही बुक हर सब, उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो ये आपको पढ़ने हैं अब यार यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स आपको लर्न नहीं करनी है ठीक है ना यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्योंकि वहां पे आपको लॉ तो बताया जाएगा आपको उसको समझ कर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको समझना है नो no लर्निंग समझ लिया उसके बाद यहाँ पे जो टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपको सॉल्व करने रहेंगे ठीक है वो नो no डाउट पुराने पैटर्न के हैं ओल्ड पैटर्न के हैं बट पहले आप ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न उसके बाद यहाँ पे आपको रीजनिंग जो है पी वाई क्यूज में से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन लीगल रीजनिंग के और ये प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चन ही पी वाई क्यूज में से सॉल्व करने कोई और लीगल जीके टाइप का क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि प्रियाम्बल कब अमेंड हुई थी प्रियाम्बल में कौन सी टर्म्स यूज करी हुए हैं ये वाले क्वेश्चन अब नहीं आते हैं राइट right? अगर आपको लीगल रीजनिंग और लीगल जीके वाले क्वेश्चन में फर्क डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कंफ्यूजन हो रही है तो कॉमेंट डाउन बिलो नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो एट टाइम लॉगरी एंड ऑल्सो गाइज हैन बुक अ वन ऑन वन सेशन विथ मी अगर आप ये वन ऑन वन सेशन बाय करते हैं तो ये पेड सेशन रहता है बट अगर आप एक सेशन ले लेते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर देते हैं आप मेरे साथ वन ईयर का मेंटरशिप कोर्स भी बाय कर सकते हैं एनरोल कर सकते हैं उसके लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नाउ बैक टू दिलेबस वीडियो तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखते हैं कि ये चीजें आपको करनी है ठीक है वंस यू आर डन विद दिस आप कोई भी कंपनी के मॉक्स Uh, जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके अंदर रीजनिंग uh, जो का जो सेक्शन है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बट बेसिक जो है वो ये करना जरूरी है अब जो एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो है लीगल करंट अफेयर्स देखिए अगेन लीगल करंट अफेयर्स जो है अगर आप डेली न्यूज फॉलो करते हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं लीगल करंट अफेयर्स के वो बहुत अच्छे बने रहेंगे आपको समझ रहेगी अंडरस्टैंडिंग रहेगी लीगल करंट अफेयर्स की अगेन इसके लिए एजुकेरी का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है जो सिक्स ओ क्लॉक सिक्स पी पे होता है वो अगर आप फॉलो करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा नहीं तो हमारी लीगल करंट अफेयर्स सीरीज होती है लॉ गिरी पर वो भी आप फॉलो कर सकते हैं उसमें से हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ट्वेंटी के अंदर भी आए थे ट्वेंटी में भी आए थे तो ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है लॉ गिरी पर यह भी आप फॉलो कर सकते हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ओके okay? उसके बाद यहां पर नॉट टू स्टडी फॉर क्लाट अब क्या चीजें नहीं स्टडी करनी लीगल जीके टाइप क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड है जिसमें आपको रट्टा मारना पड़ रहा है वो वाली चीजें नहीं आती हैं अब क्लाट में क्लैट का पैटर्न जो है ट्वेंटी में चेंज हुआ है तो अगर ट्वेंटी से पहले वो क्वेश्चन आए हुए हैं तो अब वो क्वेश्चन नहीं आते है. आपको सिर्फ और प्रिंसि आपको प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड वाले टाइप के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं ये दिमाग में रखना

ठीक है उसके बाद कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो लीगल टर्म्स एंड मैगज जो है वो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है बल्कि जो लीगल टर्म्स आपकी जब आप ये वाले पार्ट पढ़ोगे उसमें आएंगी तो उनका ध्यान रखना अच्छे से पेटिशनर का क्या मतलब है रिस्पॉन्डेंट का क्या मतलब है ये पता होना चाहिए अब बहुत सारे बचेट कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं वो ये करते हैं वो स्टडिंग बेयर एक्ट्स दे स्टार्ट स्टडिंग बेयर एक्ट बेयर एक्ट क्या होता है जिसमें लॉ एज इट इज़ होता है आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट अगर आप मेरे सेशन अटेंड करोगे तो वहां पर आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी लॉ की वही आपको रिक्वायर्ड है

करंट अफेयर्स कवर करना है तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो तो क्लाट का करंट अफेयर्स भूल जाओ और डेली न्यूज़पेपर में भी आपको द हिंदू कवर करना पड़ेगा एंड आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है बच्चों से खुद से नहीं हो पाता है बिकॉज आपको द हिंदू में से सबसे पहले निकाल लिया इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ठीक है ना उसके बाद आपको उस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से निकाल लिया इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ठीक है उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फो भी चाहिए उसको समझने के लिए और उन पॉइंटर्स में कुछ ऐड करने के लिए और फिर आपको नोट्स भी बनाने रहते हैं बिकॉज आपको रिवाइज करना होता है अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आपको पेपर में अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा और उसके लिए रिविजन बहुत जरूरी है उसके लिए नोट्स बहुत जरूरी है देखिए यहाँ पर आपके लिए ही आप लोगों के कहने पर आपके सीनियर्स के कहने पर मैंने एजुगिरी का चैनल स्टार्ट किया है ठीक है ना अब मुझे वन ईयर हो जाएगा ऑलमोस्ट सिक्स पी पे ये सेशन आप अटेंड करोगे तो उसके अंदर मैं आपके साथ साथ नोट्स भी बनाती हूँ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फो भी प्रोवाइड करती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताती भी हूँ समझाती भी हूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मेरे यहाँ पर एजुगिरी के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे एंड लॉ के इंस्टाग्राम पे भी मैं सुबह सुबह सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो पोस्ट कर देती हूँ इनकेस आप खुद से भी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है और न्यूज़पेपर भी आपको एजुकेटी के टेलीग्राम पे मिलता है तो ये आपको करना पड़ता है अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करेंगे आपका एग्जाम क्लियर नहीं आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है मैं ये नहीं कह रही हूँ आई एल टेक माई वर्ड्स बैक बट आप फिर किसी और सब्जेक्ट के थ्रू एग्जाम क्लियर करेंगे मतलब आप अच्छा करेंगे लीगल में लॉजिकल में मैथ्स में इंग्लिश में और मैं एक और बात बता दूं अगर आपको क्लैट क्लियर करना है ना आपको सभी सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट फोर सब्जेक्ट्स में अच्छा होना पड़ेगा थ्री में बहुत अच्छा होना पड़ेगा एक में ठीक ठाक होना पड़ेगा तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा अगर आप दो या थ्री सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ही जा रहे हो तो नहीं हो पाएगा ठीक है बिकॉज प्रॉब्लम यह कोई ना कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है तो आपको दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर अपना स्कोर बनाना पड़ता है तो यहाँ पे प्लीज स्टार्ट रीडिंग द न्यूज पेपर सिक्स पी एम पे आप आइए क्लास अटेंड करिए आपको बहुत अच्छा लगेगा आई कैन गारंटी वो आप मेरे रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाइए एट टाइम एजुकेटी पे वहाँ पर रिव्यूज़ मिलेंगे आपके सीनियर्स के रिव्यूज हैं राइट तो ये आप करिए ठीक है वहां पे आपको ये करना पड़ेगा आपको वन टू टू आवर्स वन टू टू पॉइंट फाइव आवर्स निकालने पड़ेंगे हर रोज फॉर यूज पेपर ये करना ही पड़ेगा उसके बाद आपका आ जाता है देखिए आप अगर इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि भाई थर्टी फाइव में से मुझे थर्टी मार्क्स तो चाहिए ही थर्टी थर्टी टू मार्क्स का अगर करना है तो आप उसके साथ विजन आई एस की जो मैगजीन होती है वो भी पढ़िए ओनली विजन आई एस से क्या प्रॉब्लम है देखिए मैगजीन अकेली पढ़ने से ये प्रॉब्लम है एक तो मैगजीन समझ नहीं आती है ठीक है मैगजीन में कुछ समझ नहीं आता है ये प्रॉब्लम है एक तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो ठीक है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबसे पहली प्रॉब्लम यही है मोस्टली बच्चे नहीं फॉलो करते हैं मैगजीन को ये लर्न नहीं हो पाते इसमें पता नहीं चलता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं ठीक है फिर भी अगर आप विजन आई पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने हाउ टू रीड दिस मैगजीन मैंने वीडियो बनाई हुई है वो आप फॉलो कर सकते हैं तो ये सारी चीजें आपको करनी जरूरी है जो आपको हमारे सेशन में बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है अगर खुद से पढ़ना है खुद से पढ़िए नोट्स बनाइए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद अगर मैं और कैसे हेल्प कर सकती हूँ करंट अफेयर्स के लिए वो भी आप कॉमेंट करके बता सकते हैं अब यहाँ पे ड्यूरेशन कब से कब तक की न्यूज कवर करनी है देखिए आपका जो एग्जाम दिसंबर 2023 में 2024 ट्वेंटी वाले जो बच्चे हैं उनको न्यूज़पेपर जनवरी ट्वेंटी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए जनवरी 2023 से मैं कहूंगी आप दिसंबर से ही स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप दिसंबर 2022 से स्टार्ट कर देंगे अब बहुत सारे बच्चे होंगे ये वीडियो बहुत लेट देखेंगे मे बी मे जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर जब भी स्टार्ट कर दो न्यूज़पेपर पेपर पढ़ना तभी अच्छा जब पता चल गया कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है तब से प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री जोग्रफी टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको एक्स्ट्रा न्यूज कवर करनी रहती है जो मेरे सेशंस में कवर होती है या फिर विजन आई में भी आपको कुछ कुछ मिल जाएगा उसके बाद नॉट हैविंग नोट्स ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो होती है बच्चों को एंड में लगता है कि अच्छा मुझे रिवाइज करना है मैं कहां से रिवाइज करूं तो अब आप जाते हो यूट्यूब पे क्रैश कोर्सेज के लिए विच आर नॉट गोइंग टू हेल्प आपके खुद के नोट्स जो होंगे वो आपको हेल्प करेंगे राइट एंड अगर आप करंट अफेयर रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओ कि आप पेपर में ज्यादा क्वेश्चन अटैंप्ट कर पाओगे उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें 28 एट टू थर्टी टू क्वेश्चन हमारे आते हैं इसके लिए अगेन जो बुक जो टॉपिक्स हैं वो आपके एजाम्शन आर्ग्यूमेंट्स इन्फ्लेंस कंक्लूजन चार ही टॉपिक्स हैं बट इसके सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसके लिए जो बुक मैंने शेयर कर एल साट की बुक मैंने शेयर कर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगिरी डॉट कॉम के ऊपर अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री पी डी एफ है ये और वहां पे मैंने मैंशन किया हुआ है कि आपको कौन से टॉपिक्स जो है इस बुक में से पढ़ने हैं ठीक है बुक के साथ ही तो वो टॉपिक्स आप पढ़िए एंड आपका लॉजिकल रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों के पास बहुत टाइम है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए लॉजिकल रीजनिंग आप पहली बार पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगी दूसरी बार पढ़ेंगे थर्ड फोर्थ टाइम बस पढ़ते रहिए उनके चैप्टर्स पढ़ते रहिए बार 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 एक पॉइंट पे आके सब समझ में आ जाएगा दिस इज द वे आपको ना कोई टीचर इसे कह सकता है ना कोई और जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे और इस बुक में से नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा मैं और कोई बुक यहाँ पे रेकमेंड भी नहीं करूंगी एलसाट की बुक इज द बेस्ट बुक फ्री के अंदर अवेलेबल है जो टॉपिक्स मैंने कहा है कि आपको पढ़ने चाहिए उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लो बेस्ट ये रहेगा ठीक है पूरी बुक का प्रिंट आउट नहीं जो टॉपिक्स मैंने बोला उसका उसके बाद आफ्टर इंटायर सिलेबस ऑफ क्लाट इज कंप्लीट कैन लीव आल्सो पजल टेस्ट और अरेंजमेंट्स देखिए अगर आपका ये मतलब अगर सिलेबस पूरा क्लाट का हो जाता है तो आप इंग्लिश की ग्रामर कवर करके जाइए और फिर आप पजल टेस्ट इसके लिए आपको आर एस अग्रवाल की बुक लेनी पड़ेगी ठीक है उसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल बट ये तब का है जब आपका सारा सिलेबस हो गया है कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वर्बल रीजनिंग बाय आरएस अग्रवाल आपको सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करना है कोई और टॉपिक नहीं करना और ये वाले टॉपिक्स नो डाउट आपको आर एस अग्रवाल में मिलेंगे बट आपको आर एस अग्रवाल में से नहीं पढ़ने नॉट रीडिंग थ्योरी सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाले जो प्रॉब्लम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं विच इज अ बिग बिग प्रॉब्लम आपका आप कहीं से भी पढ़ रहे हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है किसी ने नहीं मतलब खुद से पढ़ो यार इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अ सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ एग्जाम बाई यू नॉट अंडरस्टैंडिंग ठीक है खुद से पढ़ोगे जो अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से पढ़ने से आएगी कोई नहीं करवा सकता इसमें नॉट रीडिंग थ्योरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नॉट प्रैक्टिसिंग इज अनदर प्रॉब्लम लीविंग द सब्जेक्ट कंप्लीटली अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग को छोड़कर चल जाते हैं नहीं भाई कर कर जाना है दिस इज इंपॉर्टेंट उसके तो बाद बात करते हैं मैथ्स की मैथ्स के अंदर यार सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स करना पड़ेगा ये वाले सारे टॉपिक्स थर्टी डेज वन नाम की बुक आती है वो ले लीजिए बहुत अच्छी है उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऑलिव बोर्ड की बुक है इसके अंदर से लेवल वन सॉल्व करना पड़ेगा दीज आर द टू बुक्स दैट यू हैव टू बाय फॉर क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स राइट ये सारे टॉपिक्स अगर आप इनकेस आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं तो ये वाले टॉपिक्स कवर कर लीजिए और ये वाले टॉपिक्स कवर कर लीजिए मैंने टॉपिक्स भी मैंशन कर दिया इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड नाम की बुक आती है बाय आर एस अग्रवाल वो फॉलो करते हैं

राइट सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन पे हिट कर देना एंड ऑल्सो अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो कॉमेंट में जरूर पूछना और कौन सी वीडियोज आप चाहते हो कि मैं करूं कॉमेंट डाउन बिलो दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ आयल यू सुपर सून बाय एंड टेक केयर